हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 3-zip वाला बहुत ही आसान और यूजफुल क्लच बैग। इसके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने 8x5 इंच के इस तरीके के दो पीस रेडी कर लिए हैं क्विल्ट बनाकर। इसमें नीचे अस्तर लिया है मैंने और बीच में फोम लगाया है। इसके बाद मैंने 2x15 इंच की एक स्ट्रिप ली है और इस तरीके की एक लेस ली है। इसके अलावा मैंने जिप ली है, तो जिप हमें दो लेनी है 5 इंच की और एक हम लेंगे 13 इंच की। 3 zip है तो मैंने 3 रनर ले लिए हैं और ये वेस्ट फैब्रिक पड़ा था उसे एज अ अस्तर मैंने लिया है। अब किसी भी एक पीस को लेना है और मिडल से हम इसे फोल्ड करेंगे और देखिए इसे यहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है, तो एकदम मिडल में हम लेस रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई करके लेस को अटैच कर लेंगे। अब देखिए दोनों साइड से लेस के हमें 1/2 इंच जितनी जगह छोड़कर कट कर लेना है। अब हमने जो 5 इंच की जिप ली थी वो जिप लेंगे हम, और जिप को किसी भी एक हिस्से पर हमें उल्टी रखनी है और देखिए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा लेस वाला हिस्सा था उसे लेना है और उसे भी हम जिप के ऊपर इस तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद हमें एक और जिप लेनी है और हम यहाँ पर जिप को उल्टी रख कर अटैच करेंगे, और इसके बाद जो बचा हुआ एक पीस है उसे भी हम यहाँ पर जिप के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें पीछे प्रेस स्टिच करनी है, तो जो जिप वाला उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम इस तरीके से दबाएंगे और ऊपर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। अब नेक्स्ट जो सेकंड साइड है वहाँ पर हमें ये फैब्रिक रखना है पहले, और उसके ऊपर हम जिप को दबाएंगे और ऊपर सिलाई कर लेंगे, तो ये हमारी प्रेस स्टिच भी हो जाएगी और यहाँ पर फैब्रिक भी अटैच हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए जो सेकंड हिस्सा था वहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे, और नीचे के साइड में जैसे हमने ऊपर फैब्रिक अटैच किया वैसे ही यहाँ पर जिप को दबाते हुए हम फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अब इसे भी हम सेकंड साइड पर टर्न करेंगे इस तरीके से, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारे दो पॉकेट रेडी हो चुके हैं इस तरीके से, और अस्तर को हटाकर हमें फिर से यहाँ पर भी लेस अटैच कर लेनी है। इसी तरीके से हम सेकंड साइड पर भी लेस अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी लेस अटैच हो चुकी है, और यहाँ पर हमें रनर ऐड करना है। तो रनर ऐड करना बहुत ही आसान है, इस तरीके से थोड़ा सा ओपन करना है जिप को और दोनों हिस्सों को धीरे धीरे पुश करना है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा था वो हम लेंगे और उसे देखिए फोल्ड करके हमें यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप देना है। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। अब इसी के साइज का जो हमने मेन हिस्सा रेडी किया था उसे भी हम कट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है साइड में वो सारा हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों पीस रेडी हो जाएंगे। अब जो हमने स्ट्रिप ली थी एक, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कोई रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कपड़े को ही फोल्ड किया है और इसका हम हैंडल बनाएंगे। अब इसे देखिए हम इस हिस्से पर यहाँ पर साइड में सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब हमने जो 13 इंच की जिप ली थी वो हमें लेनी है, और जिप को हम फैब्रिक के ऊपर उल्टी रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये हमारी जिप यहाँ पर अटैच हो चुकी है, अगर यहाँ पर बचती है जिप तो उसे हम कट कर देंगे। अब इसका सेकंड हिस्सा लेंगे हम और इसे भी इस तरीके से हम जिप के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए जिप के साथ हमारे दोनों हिस्से अटैच हो चुके हैं। अब इस तरीके से हम जिप को यहाँ पर दबाते जाएंगे और ऊपर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। सेम ऐसा हमें दोनों साइड कर लेना है। तो इससे क्या होते हैं कि ये जो रफ एजेस होते हैं वो बाहर नहीं दिखते हैं और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और मजबूती भी आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी प्रेस स्टिच हो चुकी है। अगर आप थोड़ी सी जिप ओपन करके करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने रनर ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर भी हम रनर ऐड कर लेंगे।
रनर ऐड करने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करना है। और देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेंगे। हमारे सिर्फ दो हिस्से ओपन थे तो हमें यहाँ पर दोनों साइड पर इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे। और मैं एक सिलाई यहाँ साइड में भी चला रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी फैब्रिक की स्ट्रिप लेकर इसे पैक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लच बैग बिल्कुल रेडी है। इसे मैं राइट साइड पर टर्न कर लूँगी। तो ये दिखने में एकदम ट्रेडिशनल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर हमने तीन पॉकेट बनाए हैं, दो छोटे छोटे और एक बड़ा सा। बहुत ही अच्छी नई डिज़ाइन है। सो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।